हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यूजीसी नेट लॉ के एग्ज़ाम के लिए जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं हम उनको तो पढ़ लेते हैं, बट हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम कम पढ़ते हैं और उनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं और हमें उन्हें आते नहीं होते। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि जो ये सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक 2000, तो आप कुछ MCQs इस पे जो इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड MCQs हैं तो हम इस वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आर फर्स्ट MCQ। आर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हैज़ यूज्ड द टर्म फॉर द ई कॉन्ट्रैक्ट्स सिनोनिमस टू ऑफरर एंड ऑफरी एज यूज इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आर ऑप्शन आर प्रपोजर एंड एक्सेप्टर, ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी, यूजर एंड एक्सेसी, ऑफरर एंड रिसीवर। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गाइज, द आंसर इज ओरिजिनेटर एंड एड्रेसर, एड्रेसी। सो ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी वर्ड्स in the IT Act 2000 are synonymous to the words that we use in the Indian Contract Act, offerer and offeree. Our next question is, establishment of cyber appellate tribunal is mentioned in which section of the Information Technology Act 2000? Hamare options hain section 45, section 48, section 49 and section 50. See, jo aise questions hote hain jo direct सेक्शंस पे पूछे जाते हैं, अगर ये आपको आते हो तो बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपको पता है, इसलिए हम ये एक MCQs डिस्कस कर रहे हैं। हमारा इसका आंसर है क्वेश्चन का सेक्शन 48, बी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 मेंशंस अबाउट साइबर टेररिज्म। हमारे ऑप्शंस हैं सेक्शन 66A, सेक्शन 66B, सेक्शन 66G एंड सेक्शन 66F। सो व्हाट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइस, द आंसर इज सेक्शन 66F ऑफ IT एक्ट मेंशंस अबाउट साइबर टेररिज्म, डी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आर नेक्स्ट MCQ इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हैकिंग। कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या सारी करेक्ट हैं। सो हम वन बाय वन स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, हैकिंग इज़ एन इलीगल इंट्रूजन इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हैकिंग क्या होती है, इट इज़ एन इलीगल इंट्रूजन होती है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क में। बी स्टेटमेंट है, एवरी एक्ट कमिटेड टूवर्ड्स ब्रेकिंग इन टू ए कंप्यूटर और नेटवर्क इज़ हैकिंग। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, कोई भी एक्ट किसी की कंप्यूटर में ब्रेक करने का या नेटवर्क को हैकिंग करने का, उसको क्या कहते हैं, हैकिंग होती है। हमारा नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, हैकर कैन हैक फॉर पर्सनल मॉनेटरी गेन्स सच एज स्टीलिंग द क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वेरियस बैंक अकाउंट्स टू देयर ओन अकाउंट फॉलोड बाय विड्रॉल ऑफ मनी। ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि हैकर क्या होता है कि अपने मॉनेटरी गेन्स के लिए वो स्टील कर सकता है किसी की भी, जैसे हम देखते हैं आजकल बहुत होता है क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफरिंग मनी। सो व्हाट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइज, आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, सारी स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज इंडियाज फर्स्ट केस ऑन साइबर डेफेमेशन। इनमें से इंडिया में कौन सा फर्स्ट केस था साइबर डेफेमेशन के ऊपर। हमारे ऑप्शंस हैं SMC न्यूमेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस योगेश क्वात्रा, बी ऑप्शन इज अविनाश बजाज वर्सेस स्टेट, सी ऑप्शन इज टाटा सन्स लिमिटेड वर्सेस ग्रीन पीस इंटरनेशनल एंड ANR, डी ऑप्शन इज MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र। सो व्हाट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइस, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन, दैट इज SMC न्यूमेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस योगेश क्वात्रा। सो दिस इज द केस, ये पहला केस था इंडिया में साइबर डेफेमेशन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी UGC नेट लॉ का अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है, आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखे होंगे, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल जो ये केसेस के ऊपर आते हैं, तो इसलिए आप जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 78 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डैश शैल इन्वेस्टिगेट एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट।
तो हमारे ऑप्शंस हैं सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड हेड कांस्टेबल. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गाइस बी ऑप्शन, दैट इज इंस्पेक्टर. कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि इंस्पेक्टर की पोस्ट से कम रैंक का है वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा एनी ऑफेंस जो भी इस एक्ट के अंडर है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ. हमारे ऑप्शंस हैं करप्शन चार्जेस, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अनेबल टू होल्ड ऑफिस और ऑल ऑफ द अबव. सो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइस? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. आर नेक्स्ट एमसीक्यू इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल शेल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ. हमारे ऑप्शंस हैं 3 years, 5 years, 2 years और 7 years. What is the answer to this question, guys? The answer to this question is B option, that is 5 years. जो presiding officer है cyber appellate tribunal का वो कितने साल के लिए office को hold करेगा? 5 years के लिए. Our next question is if any person without permission of the owner or any other person who is in charge of a computer, computer system and computer network does anything as mentioned in section 43 of the IT Act shall be liable to pay damages by way of compensation not exceeding. हमारे ऑप्शंस हैं 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख और 1 करोड़. ठीक है, अगर कोई भी पर्सन कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है जो कि सेक्शन 43 ऑफ आईटी एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, विदाउट दी किसी भी पर्सन की परमिशन के बिना जो कि कंप्यूटर का ओनर है या उसका इंचार्ज है, तो उसको कितने डैमेजेस पे करने पड़ेंगे? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इट्स अ वेरी हाई अमाउंट गाइज, दैट इज डी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, 1 करोड़ रुपीज़. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दीज आर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द आईटी एक्ट गाइस. हम जो और जो भी सब्जेक्ट्स हैं यूजीसी नेट लॉ के पेपर में, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जुरिस्प्रूडेंस हो गया, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, वो मैंने सारे अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो देख सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़.